हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका दादी सेल्फ लाइन के अंदर। आज हम पढ़ेंगे सेल्फ मीडिएट और ह्यूमरल रिस्पॉन्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेल्फ मीडिएट एंड सेल्फ मीडिएट सेल्फ मीडिएट एंड ह्यूमरल तो अपन स्टार्ट करेंगे कि सेल मेडिएट एंड ह्यूमरल रिस्पॉन्स होता क्या है। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं सेल मेडिएट रिस्पॉन्स के बारे में। कि सेल मेडिएट रिस्पॉन्स, ये जो सेल मेडिएट रिस्पॉन्स होता है ना, ये सेल मेडिएट अपना जो रोल प्ले करता है ना, ये सेल मेडिएट रिस्पॉन्स पाया जाता है टी सेल के अंदर, है ना। जो टी लिम्फोसाइट सेल होती है ना, उसके अंदर ये सेल मेडिएट रिस्पॉन्स होता है। अभी अपना काम कैसे करता है तो चलो अब देखते हैं कि टी सेल होता है, इसमें रोल इम्पोर्टेंट करता है, प्ले करता है। तो अब सबसे पहले कैसे होता है ये मान लो कोई अपना बैक्टीरिया है, ये कोई जीवाणु है मान लो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया हम शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो इसको क्या होगा, हमारे शरीर में जो माइक्रोफाज सेल होगी ना, ये मान लो अपने शरीर के अंदर माइक्रोफेज सेल है, ना माइक्रोफाज सेल है, ये बैक्टीरिया आएगा ये आ गया सेल के, है ना माइक्रोफाज सेल के अंदर ये बैक्टीरिया प्रवेश कर गया। अब इसके अंदर प्रवेश कर गया, अब भी माइक्रोफाज सेल है ना, अब इस माइक्रोफाज सेल के अंदर क्या होगा, लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित है। अब ये लाइसोजाइम एंजाइम है ना, अब ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या होगा, इस जीवाणु को छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में इसको क्या होगा, तोड़ देगा। तो इसको क्या होगा, छोटे 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 टुकड़ों के अंदर तोड़ देगा। अब छोटे छोटे टुकड़े के बाद में क्या होता है, एमएचसी सेल होती है ना, अब इस एमएचसी के ऊपर क्या होता है, इसका रिसेप्टर पाया जाता है, अब ये इन टुकड़ों को यहाँ पे शो कर देगा, इसने यहाँ पे इन टुकड़ों को शो कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका एंटीजन, ये हो गया एंटीजन, इसको यहाँ पे शो कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, जो टी हेल्पर सेल होगी ना, यह है टी हेल्पर, ये टी हेल्पर सेल है। अभी टी हेल्पर सेल के ऊपर भी क्या होगा, रिसेप्टर पाया जाएगा, ये रिसेप्टर आएगा इसे बाइंड हो जाएगा। इस रिसेप्टर होता है ना, इस रिसेप्टर को अपन बोलेंगे CD4+, ये रिसेप्टर इसे बाइंडिंग कर देंगे, तो इसको क्या हो गया TCR, अपन इसको बोल देंगे टी सेल रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे इसको, टी सेल रिसेप्टर। अब क्या होगा कि ये टी सेल रिसेप्टर इसके जैसे ही आते हैं, इसके आते हैं क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, इसके आते हैं ये एक्टिव हो गया, इसके आते क्या हुआ, अब ये इसको एक्टिव कर देगा, एक्टिव। अब टी सेल जैसे एक्टिव हो गया, टी सेल अब एक्टिव किसको कर देगा, ये जो टी हेल्पर होती है ना, टी हेल्पर, अब इसको ये एक्टिव कर देगा, ये अपने टी सेल का राजा मान लेते हैं अपने इसको, राजा महोदय है, ये एक्टिव हो जाएगा। आप किससे एक्टिव होएगा, ये एक्टिवेटेड टी साइटोटॉक्सिन, सी साइटोटॉक्सिक सेल के द्वारा ये एक्टिव हो गया, कौन सी, इसको बोलते हैं सी, यानी ये हो गया टी साइटोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन सेल। अब भी साइटोटॉक्सिन सेल होती है ना, इसके द्वारा क्या होता है कि एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम का सिक्रेशन होता है, कि ये सिक्रेशन करते हैं एंजाइम का, यानी ये एंजाइम है,
किसका सिक्रेशन करेगा है? ना एंजाइम का सिक्रेशन करेगा है ये एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या होगा? अब ये एंजाइम जो भी बैक्टीरिया आया है ना उस बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, या ना उस बैक्टीरिया को किल कर देगा, है ना बैक्टीरिया को मार देगा। इस तरह से तो सेल मेडिएट रिस्पॉन्स होता है ना वो काम करता है। कैसे करेगा कि जीवाणु के अंदर, जीवाणु में बैक्टीरिया आएगा, माइक्रोफाज सेल में आएगा, माइक्रोफाज सेल के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होएगा। अब ये लाइसोजाइम एंजाइम है इन छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा इस जीवाणु को। फिर यहाँ पर ये जो एमएचसी होती है ना, एमएचसी क्लास सेकेंड, अभी ये एमएचसी क्लास सेकेंड के द्वारा बाहर इसको शो कर दिया जाता है। अपन इसको एंटीजन भी बोल सकते हैं, इसको पेप्टाइड भी बोल सकते हैं। अब क्या होता है, ये सीडी के द्वारा, या ना सीडी के द्वारा ये इससे जुड़ जाता है। सीडीसी के जुड़ने से क्या होता है, टी हेल्पर सेल होती है ये एक्टिव हो जाती है। टी हेल्पर एक्टिव होने से टी साइटोक्सिन सेल भी एक्टिव हो जाती है। ये टी साइटोक्सिन सेल एक्टिव होके एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं और ये एंजाइम इस जीवाणु को मार देते हैं। इस तरीके से ये रिस्पॉन्स काम करता है। अब सेकेंड आता है होमोरल रिस्पॉन्स। अब आ जाता है अपना होमोरल रिस्पॉन्स। अब इस होमोरल रिस्पॉन्स के अंदर क्या होती है, बी सेल आती है इसके अंदर। इस होमोरल रिस्पॉन्स के अंदर बी सेल काम करती है, और ये जो सेल मेडिएट है, इस सेल मेडिएट के अंदर टी सेल काम करती है और इसके अंदर बी सेल काम करती है। अब इसके अंदर होगा कि अब मान लो ये कोई बैक्टीरिया आया इसमें भी, है ना ये कोई बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया, ये माइक्रोफाज सेल है, ये माइक्रोफाज सेल है, इसके अंदर ये बैक्टीरिया एंटर हो गया। अब ये बैक्टीरिया अंदर हो गया, प्रोसेस वही चलेगी। ये यहां पर क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित है इसके अंदर, मैक्रोफाज सेल के अंदर। ये लाइसोजाइम एंजाइम है इस बैक्टीरिया को क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद यहाँ पर जो ये एमएससी क्लास सेकेंड होगी, इसके द्वारा इसको शो कर दिया जाएगा। इसके द्वारा एमएससी क्लास सेकेंड के द्वारा इसको क्या होता है, शो कर दिया जाता है। अब फिर क्या होता है, यहाँ पे जो टी हेल्पर, अब ये टी हेल्पर है, टी हेल्पर सेल है, ये टी हेल्पर सेल पे यहाँ पे कुछ कुछ का स्वयं का रिसेप्टर पाया जाता है, जिसको क्या बोल देंगे, जो अपन ने पहले देखा था TCR, यानी टी सेल रिसेप्टर। यहाँ पर खुद का रिसेप्टर होता है और ये यहाँ पर इसको पहचानने का, यहाँ पर इसको काम करता है क्या, CD4+। ये हो गया पेप्टाइड, या इसको अपन एंटी एंटीजन भी बोल सकते हैं। ये इसको शो कर देगा। अब लेकिन वहां पर अपने इसके अंदर तो, है ना सेल मेडिएट के अंदर तो टी साइटोक्सिन सेल होती है ना, ये सक्रिय होती है, लेकिन ये तो डायरेक्ट इसके द्वारा ही सक्रिय हो जाती है, लेकिन इसके अंदर ये डायरेक्ट सक्रिय नहीं होके यहां से IL2 द्वारा, अब यहां पर क्या होगा, ये कुछ सिक्रेशन करेगा IL2, जो ये अपनी जो बी सेल होगी ना, बी सेल, ये बी सेल को सक्रिय कर देगा, या ना बी सेल को ये एक्टिव कर देंगे IL2 द्वारा, या ना सिक्रेशन सिक्रेशन IL2 साइटोटॉक्सिन, सॉरी साइटोकाइन एक्टिवेट एक्टिवेट बी
सेल, है ना, बी सेल एक्टिवेट हो जाएगी, है ना, बी सेल अपनी बी सेल हो गई है, बी सेल सक्रिय हो जाएगी। अब ये बी सेल होगी ना, ये बी सेल दो भागों में डिवाइड होगी, दो भागों में बी सेल डिवाइड हो जाएगी। एक तो हो जाएगी प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल के अंदर, एक तो ये हो जाएगी प्लाज्मा सेल के अंदर डिवाइड, दूसरी हो जाएगी ये मेमोरी सेल में, दूसरी हो जाएगी ये मेमोरी सेल में डिवाइड, डिवाइड हो जाएगी, बी सेल हो गई है, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। अब मेमोरी सेल का तो काम क्या होता है कि मेमोरी सेल का काम तो ये होगा, मान लो कोई बैक्टीरिया आया है, पहले आ चुका है, दोबारा वही बैक्टीरिया है, तो उस बैक्टीरिया को पहचानने का काम क्या करती है, वो बी सेल के द्वारा उस बैक्टीरिया को पहचान सके उसको, ये होता है मेमोरी सेल का काम। अब प्लाज्मा सेल का काम क्या होता है, प्लाज्मा सेल क्या होती है, एंटीबॉडी स्रावित करती है ना, एंटीबॉडी का सिक्रेशन करती है प्लाज्मा सेल, एंटीबॉडी का करेगी, किसका, एंटी एंटीबॉडी का सिक्रेशन करेगी। ये जो एंटीबॉडी है, ये जो अपना बैक्टीरिया आया था ना, ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर देगी, है ना, इस बैक्टीरिया को उदासीन कर देगी, या ना इसके आगे ये एंटीबॉडी आके इसके लग जाएगी, तो इससे क्या होगा, ये बैक्टीरिया न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसके द्वारा भी काम करना बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ह्यूमरल रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है ना, ये बैक्टीरिया माइक्रोफाज सेल के अंदर आएगा, माइक्रोफाज सेल में जो लाइसोजाइम एंजाइम होगा ना, उसके द्वारा ये बैक्टीरिया छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, और इसको एमएससी क्लास सेकंड के द्वारा बाहर की तरफ शो कर दिया जाता है। यहाँ पे जो टी हेल्पर को ये CD4 द्वारा, ये जो CD4 होता है इसको, इससे जुड़ जाता है आके, या ना ये जो एंटीजन होता है इसे। अब ये टी सेल है, ये IL-2 का सिक्रेशन करके बी सेल को क्या आता है, सक्रिय कर देता है। और ये बी सेल होती है दो भागों में डिवीजन करके, यानी डिवाइड होके, एक तो प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल में डिवाइड हो जाती है। मेमोरी सेल का तो काम होता है कि जो पहले बैक्टीरिया आया हुआ है उसको पहचानने का, ये काम होता है इसका। लेकिन प्लाज्मा सेल क्या आता है, एंटीबॉडी का सिक्रेशन करती है, जिससे जो बैक्टीरिया होगा ना, वो बैक्टीरिया न्यूट्रलाइजेशन, है ना, उदासीन हो जाएगा, बैक्टीरिया रोग नहीं फैला पाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। यदि आपको एमएससी क्लास के बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी राय क्या है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको ये पसंद आए, यदि आपको एमएससी क्लास के बारे में मेरे से जानना है, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने आपको कैसे पढ़ाया, कैसे नहीं बताया। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, वेरी गुड।